with the same JVM also JVM. मूल रूप में मौखिक वाचन के लिए जो विषय प्रस्तावित किया था मैंने आयोजकों को उसका शीर्षक सर्वप्रथम रखना चाहूंगा द आइडिया ऑफ स्वदेशी अ रिविजिट और इस शीर्षक के सहारे ही या कह लें इसके बहाने ही स्वतंत्रता के पूर्व बहुत कम स्वतंत्रता के बाद बहुत अधिक कुछ जो अर्थनीति में विद्रूपताएं उत्पन्न हुई हैं उनका एक बहुत क्षिप्र लेखा जोखा आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। मेरे लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। जो कालावधि है वो बहुत कम है और ये बहुत स्वाभाविक भी है, किंतु फिर भी आरंभ कहां से करूं और समारोह कहां, ये मेरा धर्म संकट है। जैसा प्रोफेसर विदेन पांडे जी ने अभी कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक जो बौद्धिक परंपरा रही है उसको ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, मौखिक परंपरा, और उसी की एक कड़ी के रूप में मैं आपके सम्मुख अपनी बातों को रखना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। कभी प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह प्रातः स्मरणीय गुरुवर शैलेंद्र सिंह जी ने कहा था, मैं रिकॉल करना चाहूंगा, कर भी ना रहा हूं पूरी तरह से, इन द लास्ट 50 इयर्स वी कुड नॉट चेंज द पर्सनालिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन एवरेज इंडियन। मैं अभिभूत हो जाता हूं गुरु जी को पुनः स्मृत करते हुए, क्या दृष्टिकोण था उनका, क्या कंटेम्प्लेशन था। जैसा बिजन जी ने अभी कहा अकनास को कोट करते हुए कि कंटेम्प्लेशन होना चाहिए। विगत 50 वर्षों में हम एक औसत भारतीय की व्यक्तित्व की रचना को बदल नहीं पाए, यही तो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कदाचित यही तो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बीज है, बीज तत्व है। उन्होंने कभी कहा था और उनकी परिकल्पना थी कि एक ऐसा राष्ट्रीय संस्थान अनुसंधान संस्थान कायम करें, किंतु असामयिक कालकोलित हो गए और वो उनका प्रकल्प अधूरा रह गया। उस संस्थान की जो परिकल्पना थी उनकी वो इस बात पर आधारित थी, मैं लगभग कोट करना चाहूंगा गुरु जी को, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट देर आर सर्टेन इम्यूटेबिलिटीज, विकास की प्रक्रिया में कुछ बातें अपरिवर्तनीय होती हैं। और इसी कड़ी में जब हम स्वदेशी की अभिधारणा का भी पुनरावलोकन करते हैं तो पाते हैं कि स्वदेशी की मूल भावना तो अक्षुण्ण है, लेकिन राजकाज चलाने वालों ने स्वदेशी को बहिर्जात रूप में इतना आक्रामित कर दिया कि सब कुछ बिगड़ गया। बहुत समय कम है, मैं बार ये शब्द भी रख रहा हूं तो समय ही जा रहा है। स्वदेशी की वो अभिकल्पना जो अरविंदो की थी, गांधी की थी, गांधी जी की थी, तिलक जी की थी, इस पे काफी प्रकाश डाला जा चुका है कल से। प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने उसके अर्थ रूप को भी परिलक्षित किया है। क्या हो गया था भारत को एक राष्ट्र के रूप में जब प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 1938 में ब्रेन इरिगेशन नामक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और जब देश आजाद हो गया तो देश की क्या अर्थनीति होगी, कहा तो यह जाता रहा उनके द्वारा कि ये ब्रेन इरिगेशन की जो उनकी थियरी है, ब्रेन इरिगेशन का जो मॉडल है वो स्वदेशी पर आधारित है, जिसमें
पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित करके भारतीय अर्थशास्त्रों की मेधा का विकास करने की चेष्टा की जा रही थी। फिशर को बुलाया गया, होटली को बुलाया गया, कुजनेट को बुलाया गया। 1950 में 12 विजिटिंग प्रोफेसर थे आईएसआई कलकत्ता में। 51 में 150 संख्याविदों की, सांख्यिकी विदों की बैठक होती है। क्या करना चाहते थे प्रशांत चल महावीर? भारत के लिए उस आर्थिक नीति को गढ़ रहे थे या गढ़ने की चेष्टा कर रहे थे जो भारतीयता के अनुरूप नहीं थी, और विद्रूपता यहीं से उत्पन्न हो जाती है। नेहरू ने उनको बहुत प्रश्रय दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो मॉडल अपनाया गया वो भीमकाय उद्योग धंधों के विकास का था। बहुत फौरी तौर पर अगर बातों को लेकर चलें या यहां हम उस पर चिंतन करें तो इस तरह देख सकते हैं कि 1938 में यह भारत है जहां 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के नेताजी कह रहे हैं भारत से गरीबी, विषमता, शोषण, निरक्षरता और बीमारियों को दूर करने के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता होगी। लेकिन कौन सा सांप इस राष्ट्र को सूंघ गया 1956 में, कई बिंदु हैं ऐसे आएंगे। मैं कोई आलोचना के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन बात बड़ी ईमानदारी से कह दी जाए, सच्चाई से कह दी जाए, ये आचार्य का कार्य दायित्व भी होता है। जब उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई 1991 में, तो आउटलुक नामक पत्रिका ने रिपोर्ट किया था, अंडरलाइन करना चाहूंगा, आउटलुक नामक पत्रिका ने नई आर्थिक नीति का जो प्रलेख तैयार किया गया था वो चिदंबरम द्वारा हस्ताक्षर होना था नरसिंह राव जी का। जब वो प्रलेख लेकर, आलेख लेकर पहुंचते हैं चिदंबरम आवास पर नरसिंह राव के, तो उस समय वो स्नान कर रहे थे। बाहर आते हैं, ड्राइंग रूम में भेंट होती है दोनों की। नरसिंह राव कहते हैं इज द ड्राफ्ट रेडी, और चिदंबरम कहते हैं हां, समझने की बात है। यह स्वदेशीवादी राष्ट्र जिसकी मूल भावना स्वदेशी है और वो क्षत विक्षत नहीं होगी, ये उसको बाहर से हम आक्रामित कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन आत्मा उसकी अमर है स्वदेशी की, और यही भारतीय राष्ट्र का प्राण तत्व है। भारत तब तक जीवित रहेगा जब तक ये उसका स्वभाव स्वदेशी, और ये स्वतत्व अपने आप में आत्म तत्व है, अविनाशी तत्व है। ये किस तरह आंदोलन चले भारत में, मैं उसकी ऐतिहासिक कह सकते हैं गतियों में नहीं जाना चाहूंगा, ऐतिहासिक प्रावैधिकी में नहीं जाना चाहूंगा, ये इतिहासकारों का विषय है। और नरसिंह राव उस आलेख पर हस्ताक्षर कर देते हैं बिना ये देखे हुए कि आलेख में क्या है, और भारत का एक राष्ट्र के रूप में जो उसकी आर्थिक नीति है उसकी दिशा को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद को कभी विपिन चंद्रा जी ने कहा था, ब्रिजेंद्र पांडे जी उसमें उपस्थित थे, उसमें भुवनेश जी उपस्थित थे उस सभागार में, उन्होंने कहा कि सर्वाधिक क्षति बीजेपी ने पहुंचाई है। बात मुझसे सहन नहीं हुई क्योंकि गलत बात कर रहे थे बैजनाथ सिंह जी, डॉक्टर बैजनाथ सिंह अध्यक्षता कर रहे थे। मैंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा बाद में बात होगी। हमने कहा बिल्कुल नहीं, बाद में बात हो ही नहीं सकती। और तब मैंने बड़ी शौर्यता पूर्वक कहा था कि आर्थिक राष्ट्रवाद को सर्वाधिक क्षति कांग्रेस ने पहुंचाई है, उसके प्रमाण है। 1950 से लेकर 1980 तक
30 वर्षों में 3 दशकों में भारत की औसत समृद्धि दर 3.5% की रहती है, जिसको योजना आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर राजकृष्ण कहते हैं हिंदू समृद्धि दर, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। राजकृष्ण नहीं कह रहे हैं, मैं उसमें कुछ जोड़ने की चेष्टा करता हूं, ये कौन सी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये उसकी प्रवृत्तता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की, क्या बढ़ा तो दिया 10 के ऊपर ले गए, जा कहां रही है 5 के नीचे, कहीं ये हिंदू समृद्धि दर की ओर ही तो पूरी अर्थव्यवस्था को पहुंचाने और पहुंचने का प्रक्रम तो नहीं रचा गया है। लेकिन हम ऊंची विकास दर की कामना करते हैं, विकास दर में गलत कह गया, ऊंची समृद्धि दर, क्योंकि भारतीय परंपरा में, भारतीय राष्ट्रीय परंपरा में, भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद में न तो परिकल्पना आर्थिक समृद्धि की है न आर्थिक विकास की है, वहां अवधारणा है अभ्युदय की, राइटियस प्रोग्रेस, स्वदेशी का मूल भाव यही है। छुटपन याद आता है, मैंने पहले कहा था बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैं बातों को नहीं रख पाऊंगा, ये मेरी अभिभूत जन्य स्थिति है। बहुत कभी जब हम इमोशनल हो जाते हैं किसी विचार पर तो उसे शब्दों में रूपांतरित करना बहुत क्लिष्टकर कार्य हो जाता है, वही स्थिति मेरी है इसमें। लेकिन जोड़ता हूं, जब छुटपन में प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता था, परदेश में कुछ लोग रहते थे, गांव के निरक्षर मुझसे चिट्ठियां लिखाया करते थे, तो अभिवादन के उपरांत पहला वाक्यांश हुआ करता था, पहला संदेश हुआ करता था, पशु प्राणी राजी खुशी से हैं, मुझे वो पूरा वाक्य याद है, मैं उसी तरह लिख देता था, शब्दावली उनकी होती थी जो निरक्षर थे, ये आर्थिक राष्ट्रवादी थे, उनमें स्वदेशी का भाव था, वो जानते नहीं थे स्वदेशी क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, पशु को पहले और प्राणी को बाद में, ये जो होलिस्टिक अभिकल्पना है स्वदेशी की, इस पर जाना होगा, स्वदेशी आंदोलन कैसे चला, विपिन चंद्रा क्या कहते हैं, सुमित सरकार क्या कहते हैं, इस अगर हम पचड़े में पड़ गए तो वैचारिक दिग्भ्रम के शिकार हो जाएंगे। गांधी जी जिस स्वदेशी की बात कर रहे हैं, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह, बाल पाल लाल जिसकी बात कर रहे हैं, वहां जाना पड़ेगा, स्वदेशी, स्वराज, एजुकेशन, ये जो अभिकल्पनाएं थी मूल में बात क्या है, लेकिन जरा जोड़ने की कोशिश करता हूं बहुत जल्दी तौर पे, जल्दी ही, आर्थिक समृद्धि दर अगर 3.5% की रही तो यही तो भारतीय पद्धति है। मुझे संस्कृत नहीं आती, प्राच्य विद्या का बहुत कम ज्ञान है, नचिकेता कठोपनिषद में कहता है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता, मैन नेवर गेट सेटिस्फाइड विद वेल्थ, तो कम धन से ही तृप्त क्यों न हो ले, यही तो स्वदेशी का मूल भाव है। स्वदेशी की अभिधारणा यह है, वो नहीं जैसे निर्वचित की जाती है, जैसे पूरी दुनिया में इंटरप्रिटेशन उसका चला है, री इंटरप्रिटेशन हुआ है। हाँ ठीक है, स्वदेशी की अवधारणा पीए बनाई जाती है, सेटिस्फैक्शन ऑफ लोकल नीड्स बाय यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अंग्रेजों के आने के पहले के इसे देखिए, लगभग 34% भागीदारी व्यापार में थी भारत की, आज स्थिति क्या है, 90 के दशक के आरंभ में 0.8% हुआ करती थी, अब खिसक कर कहीं 4 पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको भी सहारे किसके, भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद टिका किस पर है, टिका होना चाहिए किस पर, टिका रहेगा किस पर, भारत में जो अर्थ की धारणा है वो लक्ष्मी के रूप में है, वो कमला के रूप में है, वो पूंजी के रूप में नहीं है,
लेकिन पूंजीवाद ने जिस तरह उदारवाद ने भूमंडलीकरण में, बाजारीकरण में और कहने में संकोच नहीं निजीकरण में भी जिस तरह पूरी व्यवस्था को विद्रूपित कर दिया है, उसको सुधारने में अब कितना समय लगेगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्राण तत्व स्वदेशी ही है जो उसको पुनर्जीवित कर देगा। क्या कैसे बहुत तेजी के साथ अगर लें, केवल एक पंचवर्षीय योजना है वो जनता प्लान 1978 से 83 का जो दस्तावेज लिखा गया था, द ओनली 5-year प्लान विथ अकॉर्डेड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार सृजन, गांधीयन दृष्टिकोण था योजना का, अंत्योदय कार्यक्रम शुरू होता है, कार्य के बदले अनाज योजना शुरू होती है, ये सब समझने की बातें हैं। कार्य के बदले अनाज योजना क्यों? क्योंकि मुद्रा से ही अर्थव्यवस्था संचालित नहीं होती, अर्थव्यवस्था कुछ कह सकते हैं गैर आर्थिक तत्वों द्वारा प्रभावित होती है। भारत में क्या कुछ हो गया, हमने पहले ही निवेदन किया कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो मॉडल सेकेंड प्लान का बनाया, नेहरू ने बनवाया, जिसको नेहरू महालनोबिस मॉडल कहते हैं, उसकी ही परिणति है कि बेरोजगारी बढ़ी है, विषमताएं बढ़ी हैं, इंपीरिकल एविडेंसेस भी हैं और तथ्य भी हैं कि ऊपरी ऊपरी तौर पर देख सकते हैं, गरीबी की स्थिति विषम बनी हुई है, पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है, पारिस्थितिकीय असंतुलन बिगड़ा है, पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ा है, और ये जो फिर वही ले जा रहा हूं, स्वदेशी का जो भाव है वो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अभी एक दृष्टांत दिया था जिसमें पशु की भी चिंता है, आगे ले जाएं तो पौधों की, वृक्षों की चिंता है, सबकी चिंता है, सबके प्रति सरोकार है, वही होलिस्टिक मॉडल है डेवलपमेंट का। और जैसा हमारे सहयोगी विजयंत पांडे जी कहते हैं कि वो होलिस्टिक होली वर्ड से आ रहा है, पवित्र, और ये जो स्वदेशी की धारणा या भावना है ये अपने आप में पवित्र है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, सुमति कुमति सबके और रही, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, ये स्वदेशी का मूलभाव कहीं इसमें सम्मिलित है। सयो दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला मनसि परितुष्टे को अर्थमान को दरिद्रा, दरिद्र वह है जिनकी तृष्णाएं अनंत हैं, ये पश्चिमी सोच है अर्थ की। तो और मनसि परितुष्टे, यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव फेनोमेनन, एंड इफ यूटिलिटी इज एन अब्स्ट्रैक्ट फेनोमेनन देन हाउ कैन बी क्वांटिफाइड। इवन द मॉडर्न इकोनॉमिक थियोरी प्रोपाउंडेड बाई हिक्स एंड एलन कुड नॉट गो बियॉन्ड दिस, दे आर ऑल्सो ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। एंड फ्यू ईयर्स बैक वाइल डिलीवरिंग ल्यूलिन रॉबिन्स मेमोरियल लेक्चर, लॉर्ड लेयर सेट द हैप्पीनेस एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विजिट वहां भी करें, क्योंकि रिविजिट कर रहे हैं, वहां भी जाएं कि पश्चिम में क्या सोच रही है। लॉर्ड लेयर ने कहा द हैप्पीनेस ऑफ पुअर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू रिच। फिर जो आलोचनाएं हुई लॉर्ड लेयर की, लोगों ने कहा कहीं उन्होंने मैक्स मूलर को तो नहीं पढ़ लिया, कहीं एल बासन को तो नहीं पढ़ लिया। अब यदि कोई समेत विचार रखे तो उसे उसे ये कहकर धता बता दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है कि ये दृष्टिकोण तो भारतीय दृष्टिकोण है। गुरु जी कहा करते थे, ये विचारणीय है, हम इस पर रिसर्च करने कराने की बात करते हैं, कि अभी भी योजना आयोग के गलियारों में महालनोबिस और नेहरू की प्रेतात्माएं चक्कर लगाती हैं और फिर समझाते थे कि ये कोई भूतही परतही कहानी नहीं है, अर्थात योजनाकारों के मस्तिष्क पर, ब्रेन पर, माइंड पर वही सब कुछ हावी है
जो महालविस ने स्वदेशी के आवरण में भारतीय बुद्धिजीवियों का परिष्कार किया, ज्ञान का परिष्कार किया और कराया किसके द्वारा? पश्चिमी अर्थशास्त्रियों द्वारा, और परिणतियां सामने हैं। मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ उधार ले रहा हूं समय। विजय जी एक 5-10 मिनट हमें और दे दें, मैनेज कर लीजिएगा किस तरह, सभी को असुविधा होगी इसमें, लेकिन ये जानना आवश्यक है हम सभी के लिए। एक राष्ट्र के रूप में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, और हम लोगों ने प्रोफेसर पारितोष बनर्जी और मैं जुड़ा उस काम से, कंपेयर किया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में क्या है। उसमें कुबेर टाइम्स ने उसके सार सारांश को उस प्रपत्र के, शोध पत्र के प्रकाशित भी किया था। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा गया था यह विचारणीय है एक राष्ट्र के रूप में हम सभी के लिए, बीजेपी के लिए भी, इंडिया शैल बी बिल्ट बाय द इंडियंस, भारत का निर्माण भारतीयों द्वारा होगा। इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों पढ़ा गया था, साथ साथ अध्ययन किया गया था। फिर उसी में एक तो ये कि जो टिप्पणी हम लोगों ने की थी, द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन डॉक्यूमेंट इज दैट ऑफ बीजेपी, क्योंकि ये यथार्थ था, बहुत अच्छा आलेख था, बौद्धिक आलेख था, गणित देखिए उसका। कहा गया था कि हम ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 6-7% करेंगे। अभी बीजेपी के आधार पर कह रही थी, उसका गणित देखिए, बचत की दर 26 से बढ़ाकर 30-31 पर ले जाएंगे। बहुत सही था, क्योंकि 1% अगर ग्रोथ रेट बढ़ानी है तो 4% सेविंग्स रेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 का रहा है, 4:1 तो गणित तो सही था। लेकिन फिर लिखा था, ये मेरे दिमाग में बात आई, गुरुजी से मैंने शेयर किया, प्रोफेसर बनर्जी साहब से, उनका हाँ सही कह रहे हो, लिखो इसको। हमने कहा अगर बचत दर 26 से 30 पर नहीं पहुंच पाई तो 7% ग्रोथ रेट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? विदेशी पूंजी का आयात करना पड़ेगा, और ये विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ी तो स्वदेशी की भावना खंडित हो जाएगी, आघातित हो जाएगी, और यही सब कुछ हुआ। हम सभी जानते हैं, मुझे कह लेने दें, मैं क्षमा याचना, क्षमा याचक भी हूं, क्षमा करिएगा, क्षमा याचना भी चाहूंगा। क्या कुछ हो गया? यस, गुरुमूर्ति ने स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक जब समय की बात की तो पीछे का दरवाजा नॉर्थ ब्लॉक से दिखा दिया गया, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, सोचना पड़ेगा। गोविंद जी ने, गोविंदाचार्य जी ने जब समय बातें की तो उनकी राजनीतिक शक्ति को कम कर दिया गया, उनकी प्रभुता को खंडित करने की चेष्टा की गई। क्या कुछ कहा जाता रहा है बिना किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के हमें आकलन करना पड़ेगा। हां यह जरूर है, लेकिन कोई नहीं बोला। माधव सभागार में लखनऊ में मैं यशवंत सिन्हा जी को सुनने गया, 3 साल का इकोनॉमिक सर्वे उनके हाथ में था, और सुनने इसलिए गया था कि मैं उनको अच्छा वित्त मंत्री मानता रहा। क्यों? क्योंकि रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड से उन्होंने $4.5 billion उगा दिया था, बीजेपी रिजाइन थी, बावजूद इसके कि अमेरिका ने भारत को पूंजी देनी बंद कर दी थी, पर प्रतिबंध लगा दिया था, और फिर वो प्रतिबंध हटा लिया अमेरिका ने। ये सब बातें विचारनी है, ये स्वदेशी का ही, स्वदेशी स्प्रिट है, स्वदेशी की शक्ति है जो ये सब कराती रही है। बात कौन सी कंडी चाहिए यशवंत सिन्हा जी को, वहां नहीं कह पाए, मैं यहां रख देता हूं। बीजेपी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में 6 वर्ष तक चालू खाते पर अधिशेष की स्थिति रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पर सरप्लस रहा, एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनडीए लेड, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट वॉज द
दिस मस्ट बी हैमर्ड अपॉन बाय अस. हम सभी बुद्धिजीवी अगर मानते हैं अपने को, हम सभी विद्यार्थी मानते हैं अगर वेद विषयों के, तो और जैसे ही यूपीए ने चार्ज लिया, यूपीए वन ने, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के करंट अकाउंट का सरप्लस डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया और आज स्थिति यह है कि वो 5% के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, बावजूद इसके कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के नाम पर स्वदेशी पर बार बार आघात किया जा रहा है. किराना व्यवसाय को ध्वस्त करने की साजिश, बाजारवाद के नाम पर विदेशी पूंजी की आमद को बढ़ाने के नाम पर राष्ट्रीय संप्रभुता इससे खंडित हो सकती है. विदेशी पूंजी के अंधाधुंध अंतर प्रविष्टि से भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर या नहीं, कोई प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है इसका. क्या करें प्रोफेसर त्रिपाठी जी, अब मैं समाप्त करना चाहूंगा. जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ. स्वदेशी पहले भी जीवित थी, स्वदेशी की भावना आज भी जीवित है, जीवित रहेगी, क्योंकि उसका प्राण तत्व आधिभौतिक है, अभौतिक है, उसका संबंध पराशक्ति से है, वो अब्स्ट्रैक्ट है. जैसा मैंने निवेदन किया कि इतिहास की गुत्थियों को अगर हम बाहर लाना चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा. मिलेगा क्या? वो सत्य. और ये सत्य है क्या? ये सत्य वो है जो अक्षुण है. कहां से आया, कैसे चला गया? मैं एक हिंदुस्तानी शायर जो पाकिस्तान चला गया था विभाजन के बाद, उसकी बात को सुनिए. नजाते छोड़कर नशे मन को कभी हम एक अजनबी बहार के धोखे में आ गए. यही है स्वदेशी का भाव, राष्ट्रवाद का यही भाव है, कहीं पनपता है. नजाते छोड़कर नशे मन को कभी हम एक अजनबी बहार के धोखे में आ गए. कुछ साल पहले मैं त्रिपुरा गया, अगरतला में था, प्रोफेसर सिंह गुप्ता साहब के साथ त्रिपुरा डेवलपमेंट रिपोर्ट लिख रहे थे हम लोग, उसकी बैठक थी. मन कहा कि बॉर्डर तक जाते हैं, जो जहां से आना जाना होता है बॉर्डर तक गया, एक समूह आ रहा है उधर से बांग्लादेशियों का, और वो जैसे हम लोगों से मिलता है तो लिपट जाता है. ये समझने की बात है, ये प्राण तत्व तो है राष्ट्रवाद का, और आर्थिक राष्ट्रवाद का भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का. वो बिलख बिलख कर रो रहे थे लोग, लग रहा था अपनों से मिल गए हैं. ये जो मूल भाव है, ये अक्षुण भाव है. कोई कहीं चला जाए, कहीं रहे, लेकिन ये केंद्रीय सरोकार है जो हमारी आर्थिक सृजनात्मकता का भी मूलाधार है. बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, विषय को रोक देना चाहूंगा, जब कभी अवसर मिलेगा फिर बोलेंगे. क्योंकि बोल वो नहीं पाया जो बोलना चाहिए था, जितना बोलना चाहिए था, क्योंकि समय रोध है, समय मर्यादा से बंधे हुए हैं सभी. तीन कारक है जो क्रिएटिविटी को, जैसा प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने कहा था, वो संस्कृति में सृजनात्मकता होती है. नंबर वन, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टार्टअप कल्चर ऑफ एनी कंट्री. रिपीट करना चाहूंगा, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टार्टअप कल्चर ऑफ एनी कंट्री. किसी भी राष्ट्र की आरंभिक संस्कृति की जो शक्ति होती है. नंबर दो, ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान. और हम सभी जानते हैं कि WTO ने भी परंपरागत ज्ञान को ले लिया है, लेकिन WTO कितना नुकसान पहुंचा रहा है स्वदेशी को, इस पर कभी चर्चा फिर करेंगे. तीसरा कारण, इनोवेशंस इन ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान में कुछ नवाचार. जैसे पत्तल उद्योग है तो कंप्रेस्ड पत्तल, हम
हमें जानना होगा कहीं ना, वो कहां जाना कहां है। गांधी जी की जो विचारणा है वहां जाना पड़ेगा, और गांधी जी की विचारणा उद्भूत कहां से हो रही है? भारतीय परंपरा से, भारतीय वैदिक ज्ञान से। हम कहें हिंदू धर्म से, हम जानते हैं कि हम बहुत सचेत होकर बोल रहे हैं, क्योंकि उस पर हिंदू कहें, हिंदू शब्द के प्रयोग से ही आघात हो सकता है कि तिवारी हिंदूवादी तो नहीं। तो अगर हिंदूवादी है तो ये शब्दावली तिवारी जी की है 1970 के दशक की। क्रांति कर देते नहीं तो शांति तो अभिशाप है, मित्र तेरा है नहीं वो आग तेरा बाप है। वर्ग तू इस वाद को जड़वाद को भी नष्ट कर दो, हो स्वतंत्र पर सो रहे हो, क्रांति कर दो क्रांति कर दो। लेकिन ये क्रांति किधर ले जाने वाली है? भारत के उस प्राण तत्व की ओर, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उधर ले जाना चाहती। एक लंबी कविता की कुछ पंक्तियां, फिर दिल्ली, पांडे जी ने कहा था दिल्ली, दिल्ली का नाम ले लिया था। दिनकर जी कह रहे हैं दिल्ली तेरे रूप रंग पर कैसे हृदय फटेगा, बात ज्योति खड़हर में हम कंगालों की रानी। ये है राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ये मूल भावना है, उसकी आत्मा है। और फिर निवेदन करना चाहूंगा, अपनी ही एक कविता है छुटपन गांव में बीता, लखनऊ चले आए 1970 में पढ़ने के लिए, यहीं के रह गए, गांव का माना जाना होता है। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की, एक आदमी की पीड़ा इन शब्दों में, और कदाचित यहां भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की झलक मिलेगी। छोटा सा प्यारा मेरा गांव, दूर भगे दुख धरते पांव, उत्तर में है बड़का ताल, मां का मंदिर उसका भाल, पूरब में है बड़की बगिया, आम रखाते बैठे खटिया, दक्षिण दिशा तलैया छोटी, उसमें मछली कूदे मोटी। ये जो आज के विकास की विद्रूपताएं हैं वो भी इसमें, उनकी भी प्रतिध्वनि मिलेगी। पश्चिम पक्की सड़क है खाली, पश्चिम पक्की सड़क है खाली, एम्प्टीनेस, खेतों में फैली हरियाली, कितना सुंदर कितना प्यारा बली तारा है गांव हमारा। ये स्वदेशी का मूल भाव है कि हम कहीं पर पहुंचने के लिए छटपटाते रहते हैं, और यही हमारी जो छटपटाहट है किसी मूल तत्व से जुड़ने की, वही राष्ट्रवाद की मूल भावना है या अक्षुण भावना है, वो शाश्वत है, सनातन है। एक बार दो निरक्षर बात कर रहे थे, मैं इसको उद्धृत करना चाहूंगा, आप सभी के समक्ष विचारणीय बात है। निरक्षर थे, मैं फैजाबाद से अपने घर आ रहा था गोमती नगर, और रास्ते में वो दोनों कह रहे थे, एक कह रहा था अच्छा जाती है तो कहीं तो जाती है। मैं उत्सुक हुआ कि ये चर्चा किस पर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद समझ पाया कि वो इहलोक और परलोक पर चर्चा कर रहे हैं, वो आत्मा और परमात्मा पर चर्चा कर रहे हैं, वो देह निधन का द्वार पार कर आत्मा कहां करेगी विचरण, क्या जीवन की गोपन तृष्णा केवल जन्म मरण का कारण। ये उनका सरोकार था कि आत्मा जाती है तो कहीं तो जाती है, और भारत की आत्मा मूलतः जाती कहां है, वही स्वदेशी अभिधारणा पर, और वह स्वदेशी हमारा अमरत्व तो है, उसी में भारत का प्राण तत्व है, और उसी में भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक राष्ट्रीयता है। इन कुछ शब्दों के साथ मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा, कुछ समय अधिक लिया, लेकिन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, ये भी एक बात सही है। धन्यवाद आप सभी के प्रति, अनेक धन्यवाद विशेष रूप में आयोजकों के प्रति कि जिन्होंने मुझे इतना अवसर दिया कि अपनी कुछ बातों को आपके साथ साझा कर सकूं। धन्यवाद।